दोस्तों, लंका नरेश रावण इस ब्रह्मांड का एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में उसके बारे में जानने की जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि रावण को आज भी कई लोग बुरा तो वहीं लोगों की एक बड़ी आबादी उसे एक अच्छा इंसान बताती है। दोस्तों, रावण अगर इतना ही बुरा था तो क्यों उसे श्रीलंका के साथ साथ भारत के कई राज्यों में आज भी पूजा जाता है। दोस्तों, रावण के संदर्भ में इतनी बातें हैं कि उनका अंत होना लगभग नामुमकिन है। इसी कड़ी में आज हम आपको रावण के जन्म के रहस्य के साथ साथ रावण के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले किसी से भी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, लंका नरेश रावण को लोग बुराई, काम, लोभ, क्रोध और अधर्म का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक प्रखंड ज्ञानी ब्राह्मण था? लेकिन इतना ज्ञानी होने के बावजूद और एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि रावण को एक राक्षस माने जाने लगा? तो दोस्तों, इसके लिए आपको चलना होगा उस समय जब रावण का जन्म हुआ था। दोस्तों, रावण ब्राह्मण पुलस्त ऋषि का पौत्र तथा महर्षि विशर्वा और राक्षसी कैक्सी का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के अनुसार पौराणिक काल में तीन बहुत ही क्रूर राक्षस भाई हुआ करते थे जिनके नाम माली, सुमाली और माल्यवान थे। ये तीनों ही ब्रह्मा जी के बहुत बड़े भक्त थे और इन तीनों राक्षसों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। और वरदान मिलते ही तीनों भाई पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग लोग में मौजूद देवताओं के साथ साथ मनुष्य और ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर उन्हें बड़ी ही क्रूरता से मारने लगे। लेकिन जब माली, सुमाली और माल्यवन की क्रूरता और अत्याचार बहुत अधिक बढ़ने लगे तो सभी ऋषि मुनि और देवतागण परम पूज्य भगवान श्री विष्णु जी के पास मदद मांगने गए और तीनों राक्षस भाइयों के अत्याचार के बारे में भगवान विष्णु जी को बताया। उन सब की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप सभी अपने लोक में निडर होकर जाएं और हमेशा की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। मैं अति शीघ्र इन राक्षसों का विनाश करूंगा और तीनों लोगों को इनके अत्याचार से मुक्त कराऊंगा। फिर क्या था, जैसे ही तीनों भाइयों माली, सुमाली और माल्यवन को भगवान विष्णु के कथन के बारे में पता चला तो तीनों ने संपूर्ण सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे और देखते ही देखते विष्णु जी ने माली सहित कई राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु का बल देखकर बाकी बचे राक्षस सुमाली और माल्यवन के साथ लंका की ओर भाग निकले और फिर कुछ समय बाद राक्षस सुमाली, माल्यवन और अन्य राक्षस लंका छोड़कर पाताल लोक में रहने चले गए। दरअसल युद्ध में मिली पराजय के बाद दोनों राक्षस अपने पूरे परिवार के साथ पाताल लोक में ही छुपे रहे। कुछ समय बीतने के बाद सुमाली पृथ्वी लोक भ्रमण को निकला और वहां पहुंचते ही उसने लंका में भगवान कुबेर को देखा, लेकिन भगवान विष्णु के डर के कारण वो जल्द ही वापस लौटकर पाताल लोक चला गया। पाताल लोक पहुंचकर वो सोचने लगा कि आखिर कब तक उसे इस तरह ही सबसे छुपकर रहना पड़ेगा और वो भगवान विष्णु से बचने का और देवताओं को पराजित करने का रास्ता खोजने का विचार करने लगा। तभी उसे पृथ्वी लोक पर मिले भगवान कुबेर का विचार मन में आया और फिर उसने कुबेर के बारे में सब कुछ पता किया कि कुबेर महर्षि विशर्वा का पुत्र है। वो सोचने लगा कि क्यों ना वो भी अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विशर्वा से करवा दे, जिससे शीघ्र ही उसकी पुत्री को कुबेर जैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और राक्षस वंश का कल्याण हो जाएगा। यही विचार लेकर सुमाली अपनी पुत्री कैक्सी के पास गया और उससे बोला कि पुत्री कैक्सी, तुम अब विवाह के योग्य हो गई हो, लेकिन मेरे भाई के कारण कोई भी मुझसे विवाह के लिए तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आता, इसलिए तुम अत्यंत पराक्रमी महर्षि विशर्वा से विवाह कर पुत्र प्राप्त कर लो, जिससे राक्षस वंश का कल्याण होगा, क्योंकि वही पुत्र देवताओं से हम राक्षसों की रक्षा कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कैक्सी राक्षस कुल की होने के बावजूद भी धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए अपने पिता की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म था। उसने अपने धर्म का पालन करते हुए महर्षि विशर्वा से विवाह कर लिया, जिसके बाद कई वर्षों तक कैक्सी ने महर्षि विशर्वा की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर एक दिन महर्षि विशर्वा ने कैक्सी से वर मांगने को कहा, जिसके बाद कैक्सी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों का वरदान मांगा, जिसे सुनकर महर्षि विशर्वा ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम गलत नक्षत्र में मेरे पास आई थी, इसलिए तुम्हारे पुत्र भयानक सूरत वाले और गलत कार्य करने वाले होंगे। यह सुन कैक्सी विचलित हो उठी और बोली, आपके जैसे ब्रह्मवादी द्वारा मैं ऐसे पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए।
तब महर्षि विशर्वा ने उससे कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरे जैसा ही धर्म को मानने वाला होगा। कुछ समय बीतने के बाद केक्सी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया जो 10 सर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी बालक था, जिसके शरीर का रंग काला और आकार कोयले के पहाड़ के समान विशालकाय था। ऐसे पुत्र को देखकर कैक्सी ने महर्षि विशर्वा से कहा, इस बालक के 10 सर और 20 भुजाएं हैं। तब ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत पुत्र की मांग की थी, इसलिए अद्भुत अर्थात इस जैसा कोई और ना हो, ठीक वैसा ही पुत्र हुआ है। 10 सिर होने के कारण उसके पिता महर्षि विशर्वा ने उसका नाम दशग्रीव रखा, जो आगे चलकर सभी लोकों में दशानन और रावण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद कैक्सी ने कुंभकर्ण को जन्म दिया, जिसकी कद काठी वाला कोई दूसरा प्राणी नहीं था। इसके बाद कैक्सी ने अत्यंत रूपवती पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम सूर्पनखा रखा। और उसके बाद कैक्सी ने धर्मात्मा विभीषण को जन्म दिया, जो अपने पिता के समान ही सत्य और धर्म का पालन करने वाला था। तो दोस्तों, ये तो हुई रावण के जन्म से जुड़ी बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का उल्लेख हमें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण में मिलता है, जिसमें भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन के बारे में वर्णन है। और भगवान श्री राम के जीवन में रावण का एक बहुत ही ज्यादा अहम किरदार है। और रामायण के बारे में जानने के बाद ऐसा लगता है कि रावण के बिना रामायण की रचना करना एक बहुत ही कठिन कार्य हो जाता, क्योंकि किसी भी कृति के लिए नायक के साथ सशक्त खलनायक भी होना अति आवश्यक है। दोस्तों, सोने की नगरी लंका का राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त होने के साथ साथ एक अच्छा राजनीतिज्ञ, अत्यंत बलशाली, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, शास्त्रों का महान ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित और एक महाज्ञानी महापुरुष था। दोस्तों, रावण के काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था। उसने अपना महल पूरी तरह से स्वर्ण युक्त बनवाया था, इसलिए उसकी लंका को सोने की नगरी और सोने की लंका भी कहा जाता है। दोस्तों, ये तो सभी को पता है कि भगवान शिव का रावण बहुत बड़ा भक्त था, और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर दिए। लेकिन जैसे ही वो अपना एक सर काटता, उसकी जगह तुरंत ही उसका दूसरा सर आ जाता, उसकी मृत्यु ना होती। ऐसे उसने एक एक करके अपने 9 सर अर्पित कर दिए। लेकिन जब उसने 10वीं बार भगवान शिव को अपना सर अर्पित करना चाहा, तभी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए, और शिव जी ने रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दशानन नाम दिया। और इन सभी 10 सिरों के अलग अलग अर्थ हैं। रावण के 10 सिरों में से पहले सर का अर्थ काम, दूसरे का क्रोध, तीसरे का लोभ, चौथे का मोह, पांचवें सर का अर्थ व्यभिचारी, छठे का ईर्ष्या, सातवें का अहंकार और आठवें का ज्ञान, नौवें का घृणा और 10वें सर का अर्थ पक्षपात था। दोस्तों, अब हम आपको रावण के कुछ ऐसे सपनों के बारे में बताते हैं जो अधूरे ही रह गए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रावण समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि पृथ्वी पर पीने के पानी की मात्रा बहुत ही कम है। और रावण रसायन का इतना बड़ा ज्ञाता था कि वो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदल सकता था। लेकिन उसका ये सपना अधूरा ही रह गया। रावण का दूसरा सपना था सोने के अंदर सुगंध डालना। जी हाँ, रावण सोने को सुगंधित बनाना चाहता था, वो भी इसलिए जिससे कि कोई भी आम इंसान सोने की पहचान आसानी से कर सके। रावण का तीसरा सपना था पृथ्वी से स्वर्ग तक के लिए सीढ़ी बनाना, जिससे कोई भी इंसान बिना मरे ही इन सीढ़ियों के जरिए स्वर्ग जाकर वहां का आनंद ले सके। इसके अलावा दोस्तों, रावण मदिरा यानी कि शराब को गंधहीन बनाना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी मंदोदरी को मदिरा की गंध से बहुत ज्यादा नफरत थी। रावण का पांचवा सपना था काले और गोरे रंग को एक रंग में बदलना, मतलब वो काले और गोरे रंग को एक ही रंग में बदलना चाहता था, जिससे काले और गोरे का भेदभाव बिल्कुल खत्म हो जाए। रावण का छठा सपना था खून के लाल रंग को सफेद करना। दोस्तों, रावण खून के लाल रंग को सफेद इसलिए करना चाहता था क्योंकि अपने समय में रावण ने हजारों लोगों को मारा था और उनसे बहने वाले लाल खून से वो घृणा करता था, इसलिए वो खून के रंग को सफेद बनाना चाहता था। रावण का सातवां और आखिरी सपना था भगवान की पूजा को खत्म करना। दोस्तों, रावण चाहता था कि कोई भी इंसान या देवता भगवान की पूजा ना करे, बल्कि भगवान की जगह वो रावण की पूजा करे और उसको ही ब्रह्मांड का रचयिता माने। इसके अलावा दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि रावण असीम शक्तिशाली था। उसकी शक्तियों का अंदाजा लगा पाना लगभग असंभव था। वो अत्यंत बलशाली था। अगर रावण के शस्त्रों की बात करें तो उसके पास वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, असुरास्त्र, मायास्त्र, सुरास्त्र, गंधर्वास्त्र, नागास्त्र, पशुपातास्त्र और ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक दिव्य भाला भी था। दोस्तों, आपको बता दें कि रावण को ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के तहत उसे गरुण, सर्प यज्ञ, यक्ष,
दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं में से कोई भी नहीं मार सकता था। वरदान की प्राप्ति के समय रावण ने ब्रह्मा जी से कहा था कि अब मैं अमर हूँ, जिनसे मुझे मौत का डर था अब वो भी मुझे नहीं मार सकते। इसके अलावा बाकी प्राणियों की चिंता मैं नहीं करता और मनुष्य तो मेरे लिए तिनके के बराबर है। लेकिन जिस मनुष्य को उसने तिनके के बराबर समझा, उसी मनुष्य के हाथों उसकी मौत लिखी हुई थी और वो मनुष्य कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री राम थे। लेकिन इसमें उनका साथ दिया उनकी वानर सेना और रावण के छोटे भाई विभीषण ने। आपको बता दें कि घर का भेदी विभीषण ही था जिसकी वजह से रावण की मौत संभव हो पाई थी, नहीं तो अंतिम समय में रणभूमि में रावण प्रभु श्री राम के साथ साथ उनकी समस्त वानर सेना पर भारी पड़ने लगा था। जिसके बाद भगवान श्री राम ने उसके ऊपर एक से एक ताकतवर और प्रभावशाली शस्त्रों का वार किया था, लेकिन वो सभी शस्त्र रावण के आगे विफल रहे। जिसके बाद विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, रावण कोई आम असुर नहीं है, उसको मारना नामुमकिन है क्योंकि उसकी नाभि में अमृत छुपा हुआ है। इसलिए जब तक उसकी नाभि पर वार नहीं किया जाएगा, रावण नहीं मरेगा। ये सुनते ही प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि पर वार किया और उसकी दोनों भुजाएं काट कर अलग कर दी और इस तरह लंकापति रावण का अंत हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आपको लंकापति रावण पर हमारी आज की ये पेशकश, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।